हरियाणा में ई टेंडरिंग व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में आप पार्टी खुलकर समर्थन में आ गई है। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के पुतले जलाए। यमुनानगर जिला सचिवालय के सामने आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और दोनों के पुतले जलाए। आप पार्टी नेता लक्ष्मण विनायक का कहना है कि हरियाणा में छोटी सरकार सरपंच के खिलाफ लाठीचार्ज के विरोध में आप पार्टी प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सबसे अधिक छोटी सरकार के क्षेत्र में प्रभावी रहता है और सरकार द्वारा इसी के तहत नहस करने का प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, भाजपा सरकार जिंदाबाद, भाजपा सरकार जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। विनायक साहब, आज क्या मामला, किस मामले को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और किसका पुतला फूंका जा रहा है और क्यों फूंका जा रहा है? आज का जो ये प्रदर्शन है वो हमारी जो छोटी सरकार होती है, गांव की छोटी सरकार का मुखिया होता है सरपंच, और सरपंच से ही जो है लोकतांत्रिक जो है व्यवस्था नीचे की चलती है। तो उस सरपंच को, जो छोटी सरकार है, जो अपना हक मांग रहे थे कि नई ई टेंडिंग व्यवस्था को ख़त्म करके जैसे पुरानी व्यवस्था है उसी को चलाया जाए, पर ये सरकार जो है अपने चंद पूंजीपति मित्रों को ई टेंडर के जरिए जो है सारे के सारे जो काम देना चाहती है ताकि सरपंचों जो है पंगू बनकर रह जाएं, इनके का कोई काम का ना रहे, सिर्फ एक नाम मात्र सरपंच का एक हिप्पा इन पर लग जाए और काम जो है, काम सारे जो हैं ऊपर जो है जो इनके पूंजीपति मित्र हैं उनके थ्रू हों। तो आम जो इन पर लाठीचार्ज हुआ है पंचकुला में, जो सरपंच प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे उनमें लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे और बुजुर्ग के सरपंच भी थे, सबके ऊपर बेताशा तरीके से जो लाठीचार्ज हुआ है, जो कि एक मिनिमम बल प्रयोग करके भी जो है वो हटाए जा सकते थे, पर नहीं, इस इतना ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया गया है जिसमें 100 सरपंच के आसपास घायल हुए हैं और जो कुछ साथी जो हैं आज भी हॉस्पिटलाइज हैं। 4000 सरपंचों पर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, उसके बारे में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। हम चाहेंगे कि सरकार इन मुकदमों को जल्द से जल्द वापस ले और ये सरकार जो है लोकतंत्र का पूरी तरह से गला घोटने पर लगी हुई है। चाहे आप देखिए, आज इनके राज में ना किसान सुरक्षित है, ना सरपंच सुरक्षित है, ना विद्यार्थी सुरक्षित है, ना टीचर सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, कोई भी इस राज में सुरक्षित नहीं है। जो भी इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को ये लोग दबा देते हैं, लाठी के बल से जो है ये आवाज़ दबा देते हैं। एक बात बताएं कि आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है सरपंचों के हक में, तो क्या सरकार आपकी बात को मान के ये मुकदमे वापस ले लेगी? बिल्कुल, सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन जोरदार तरीके से किए जाएंगे जब तक ये इनके ऊपर मुकदमे वापस नहीं लेती और जो ई टेंडरिंग जो है व्यवस्था ख़त्म नहीं करती, तब तक जो है आम आदमी पार्टी इनके समर्थन में खड़ी है। आप मानते आज हैं? जो पुतले फूंकने का प्रोग्राम है, आप उससे पूछ रहे थे, पुतले जो हैं आज हम कट्टर के और दुष्यंत जो डाला है उसके पुतले फूंके जाएंगे। आप कहते हैं कि नहीं, लोकतंत्र की जो आवाज़ है, लोकतंत्र की आवाज़ है वो आम लोग हैं, जनता है। आप मानते हैं आने वाली सरकार आम आदमी पार्टी की होगी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की 2024 में सरकार बनने जा रही है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कहते हैं बस 24 आने दीजिए, एक मौका हमें दीजिएगा, हम जरूर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।